वो बंदे ने बियर ली, 8 मनात की बियर मिलती है, तो उन्होंने बियर ली, बियर थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी सी पी, 2-3 सिप किए और डांस करने लग गया, और डांस करने लग गया तब उसके बाद वो वापस आया और बियर गायब हो गए। होटल में साहिल भाई मिल गए हैं जो सेम अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं भाई, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या सब फील कर रहे हैं यहाँ पे? फील तो अच्छा ही कर रहे हैं यार, अभी पहला दिन है, अच्छा। पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, अभी तो रिसर्च कर रहे हैं क्या करना है। 5 दिन मजा रहे हैं बस का टूर करने, ठीक है। और मैं हूँ और मेरे फ्रेंड है चाइना से, राइट, तो हम जा रहे हैं आज बस का टूर करने, देखते हैं आज कैसा सफ़र रहेगा। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ बस का टूर, जो ओपन बस रहती है। नेम चाउचो दुदु दुदु, या यू नो द जापानीज ऑटम ऑटम, या कार्टून 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 दिस, ओके ओके कार्टून कार्टून, या अंडरस्टैंड, यू नो दिस, या दिस वन इट्स दुदु दुदु, ओके फे दुदु ज़ोयमन, या सेम नेम, ओके। तो भाई देख लो, भाई हैं अपने डॉगी से बात कर रहे हैं उनके घर पे, डॉगी है ये टूटू, या घंटे से बस के इंतजार में है और बस अभी तक आई नहीं है। ये टूर बस रहती है जो पूरा सिटी टूर कराती है, बट बस अभी तक आई नहीं, 1 घंटा हो गया वेट करके, अब लग रहा कुछ प्लान चेंज करना पड़ रहा है। ये भाई भी है, व्हाट यू से बस इज नॉट कमिंग, जस्ट से जस्ट मे बी 6 PM, नो आई कम हियर 5 PM एंड नाउ 6 PM एंड हाउ लॉन्ग वेट, 1 hours, yeah, then after 6 PM, no, now. Now maybe I will go, be back. भाई तो अब हम लग रहा है कहीं नहीं जाने वाले हैं, वापस हॉस्टल जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ का बस का टूर प्लान कैसा रहता है ना, डबल टेकर, और ये भाई सेम हम लोग हॉस्टल में रुके हुए हैं, तो ये चाइना से है, तो हम दोनों का प्लान हुआ तो चलो टूर। यार बस आई नहीं है अभी, तो यहाँ किसी से मैं पूछता हूँ, अगर उसको पता होगा तो वो बता सकता है। देख लो यहाँ से एक टूरिस्ट का रहता है ये भाई बहन का, ये तो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा इससे। हेलो, यू आर लोकल हेयर, यू आर लोकल हेयर, ओके हेयर बस, यू हैव आइडिया, दिस नो 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 दिस टूरिस्ट बस, नो ओके, बस वाले आए थे उन्होंने रोका नहीं, उसमें एक भी टूरिस्ट नहीं था, तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अपने हॉस्टल, और देखते हैं फिर आगे का प्लान क्या है करेंगे। तो भाई हम निराश होकर जा रहे हैं, नहीं मिला हमें। एक्चुअली यहाँ कैसा रहता था, बस से जाओगे यार इतनी टाइम है तो व्यू वगैरह अच्छा मिलता है आपको, इसके लिए सोच रहे थे कि बस से जाएं, लेकिन ये तो हुआ नहीं। और यार ऊपर से ना टैक्सी वाला बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था कि भाई टैक्सी से ना ऊपर नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसने बहुत पढ़ाने की कोशिश की तो नहीं हुआ फाइनल। About bus is not stopped here because no here tourists. Yeah, right. I think so. तो भाई भी समझ गए कि मतलब एज अ टूरिस्ट तो है यहाँ, लेकिन बस पे जाने वाले टूरिस्ट नहीं है, तो जो भी है मतलब महंगा है इस वजह से, या यहाँ टूरिस्ट बस पे चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सूरज भाई हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाकू का, और आगे तो सिर्फ घूमने के लिए समंदर ही है जी, और भी है, और भी है कई सारी चीज़ें, बट फिलहाल तो हमने जो देखा है पब वगैरह है, एक यहाँ पे सबसे अच्छी जो जैसे कि इंडिया में लोग शिमला जाते हैं घूमने के लिए, शिमले में जैसे कि मॉल रोड है, और यहाँ बक्कू में निज़ामी स्ट्रीट है, और निजामी स्ट्रीट इज़ वेरी गुड क्राउड, तो क्राउड तो बहुत अच्छा है, बाकी से सब कुछ यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन से कैसे पब में जाना है, क्या एक्सपेंड करना है, क्या एक्सेप्टेबल करते हो। लोग कैसे हैं? लोग नहीं अच्छे नहीं, लोग
पब्लिक में जाते हैं तो पैसे वैसे पैसे पैसा तो ये कोई भी आ रहा है तो ये सोच समझ के आना, ये कोई भी अगर आ रहा है बाकू तो ये सोच समझ के किसी भी पब में जाना, क्योंकि अच्छा आप टूरिस्ट घूमोगे ठीक है, लेकिन पब एरिया कैसा रहता है वहाँ सब, ऐसा कैसा इंडिया में रहता है, मुंबई में है, अंधेरी में है, पब सब है, तो वहाँ सब काटने को बैठे रहते हैं, तो वैसा ही है, तो वो समझ के अपना पब में जाना। बाकी एक बात बताता हूँ, जैसे मेरा भाई था एक, यानी मेरा ऐसे रूममेट था, वो रात ही पब में गया हुआ गया गया था वो, तो क्या हुआ यानी वो बंदे ने बियर ली, आठ मनात की बियर मिलती है, तो उन्होंने बियर ली, बियर थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी सी पी, दो तीन सिप किए और डांस करने लग गया, और डांस करने लग गया, तब उसके बाद वो वापस आया और बियर गायब हो गए, और फिर दोबारा यानी वो बंदे फिर बियर नहीं ले रख देते उनके आगे, और फिर वो यानी ऐसे थोड़ी सी पीता था, यानी डांस करता था और पीछे से सामान गायब हो जाता था, तो ऐसे बंदे बिल बनाने के चक्कर में ना, तो ऐसे करते हैं ये पब वाले, तो इसीलिए बी अलर्ट सभी लोग जो हमारे हिंदू भाई साहब, हिंदू भाईचारा और हिंदुस्तान लोग, इंडियन लोग, तो बी केयरफुल, ये बहुत यानी यहाँ ड्रामेबाजी करते हैं पैसे बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बाकू आ रहा है तो भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो रियल एक्सपीरियंस है, मैंने भी रात में देखा था। तो ऐसा आप घूमने के लिए आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सही है, कोई इशू नहीं, सेफ है, और एज ए पब बीप में जाओगे तो वहाँ कैसा रहता, सब चटोड़े बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आप सेफ्टी रखना। बाकी आप घूमो निजामी स्ट्रीट एक्स वाई जेड, जहाँ जाना जा, बाकुल आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, यहाँ के लोग फ्रेंडली है, प्यारे है। एज ए आप पब वाली लाइफ में जाओगे तो फिर आपको दिखेगा असल नज़ारा, क्योंकि यहाँ पब में हर कोई जाता नहीं है, पब में पैसे का खेल है, तो वो समझ के जाना। बाकी आओ बाकू, अच्छा अच्छा, तो भाई बाकू में साहिल होटल में साहिल भाई मिल गए, जो सेम अपना ट्रेवलिंग ब्लॉग करते हैं भाई, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सब फील कर रहे हैं? फील तो अच्छा ही कर रहे हैं यार, अभी पहला दिन है, अच्छा, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, अभी तो रिसर्च कर रहे हैं क्या करना है, पाँच दिन मजा तो आएगा क्योंकि मैंने स्पेंड किया टाइम, पाँच दिन का टाइम है मेरे पास अभी, देखते हैं क्या करना है। मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर कोई बाकू अजरबैजान आ रहा है तो डायरेक्ट टिकट मत बाई करना, एज ए ट्रांजिट अबू धाबी से आप करना, वो बेहतर रहता है, चीप पड़ता है, और ये ट्रांजिट वीज़ा जो है ना, इसका कोई चार्ज नहीं, वो बिल्कुल फ्री मिलता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा एज ए ट्रांजिट वीज़ा के लिए या अजरबैजान के वीज़ा के लिए, तो वीडियो में आप कमेंट करोगे, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो बाया अबू धाबी आओगे तो कुछ चीप पड़ जाएगा आपको, एज ए लाइक आप अगर डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हो तो आपको लगभग 27,000 to 30,000 पड़ जाएगा, एंड ट्रांजिट करके आओगे तो आपको 14,000 to 15,000 में काम हो जाएगा, राइट साहिल भाई? तो ये फंडा है, और जाने का 14, आने का 14, मतलब 30,000 में आपका एयर टिकट हो जाएगा, और आप आके यहाँ घूम सकते हो, एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप आ रहे हो तो साहिल हॉस्टल में रुको, यहाँ का एनवायरनमेंट अपना सब इंडियन ही मिल जाएंगे आपको, बाकी यहाँ का हर चीज़ सही है, बाकी जो भी ऑलमोस्ट आता है ना इंडियन, ऑलमोस्ट आपको साहिल में मिलेंगे ऑलमोस्ट, और यहाँ का आपको अगर कुछ जैसे कोक वगैरह चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, मस्त है, एरिया सही है, बाकी आपको हर चीज़ क्लीन वगैरह मिल जाएगा, एनवायरनमेंट कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस हॉस्टल में रहोगे ना तो नियरली हर चीज़ आपको मिल जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी चाहिए आपको, सब चीज़ साहिल के नज़दीक है। बाकू में सबसे लाइक जैसे मान लो मुंबई में है अपना मरीन ड्राइव हुआ, वैसा ही एरिया है साहिल, ऐसा है जहाँ नियरली आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप बाकू कोई आना चाहता है तो कमेंट करो, अगर वीज़ा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैं तो निकल रहा हूँ आज कजाकिस्तान के लिए, तो बताता हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ से जा रहा हूँ मैं डायरेक्टली, वीज़ा नहीं है मेरे पास, और इंडियन के लिए वीज़ा भी नहीं लगता 14 दिन के लिए, लेकिन एज अ वीज़ा नहीं है जाना और एक्सपीरियंस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मैंने।